में पार्ट टू पेंट का। फर्स्ट वीडियो में पार्ट वन किया था, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पेंट, मान लो कोई भी दो शेप इंसर्ट कर रखी है। बकेट के साथ पहले कलर सिलेक्ट करेंगे, फिर फिल करेगा इसके अंदर। फिर उसके बाद होता है कलर पिकर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब तो ये कलर पिकर है, उसके बाद शेप के अंदर जो कलर फिल कर रखा है उस पर क्लिक करेंगे। बकेट के अंदर चेंज हो जाएगा एक कलर को दूसरी जगह पे पिक करना। नाम से ही पता चल रहा है, कलर पिक करना मतलब कि एक जगह से ड्रॉप करना दूसरी जगह पे। उसके बाद है जूम, पेज का साइज जूम करना, राइट वापस जूम आउट करना, जूम इन लेफ्ट से। कीबोर्ड से करना यही सेम, कंट्रोल पेज डाउन जूम आउट करना, कंट्रोल पेज अप जूम इन करना। पेज का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद होता है ब्रश, ब्रश पे क्लिक करके कोई भी ब्रश के साथ पेंटिंग करना। ब्रश का साइज़ भी ज़्यादा करना है, साइज पे क्लिक करके जो साइज सेलेक्ट करेंगे वो शो कर देगा। और ज़्यादा करना है, कंट्रोल प्लस साइज ज़्यादा के लिए यहाँ पे शो कर देगा, कंट्रोल माइनस वापस कम करने के लिए ब्रश का साइज कम कर देगा। उसके बाद अगर यहाँ से कलर चेंज करना ब्रश का, जो भी कलर बॉक्स से कलर सेलेक्ट करेंगे वो शो कर देगा। उसके बाद ब्रश स्टाइल चेंज करना, कोई भी ब्रश अलग सेलेक्ट करेंगे वो शो कर देगा। यहाँ से न्यू पेज लेंगे, दोबारा से न्यू पेज पे क्लिक करके डोंट सेव, यहाँ से कोई भी शेप इंसर्ट कर रखी, मान लो कलर टू पे कलर सेलेक्ट करेंगे, आउटलाइन आउटलाइन शेप की आउटलाइन पे इफेक्ट डालेगा। नो आउटलाइन में कोई आउटलाइन नहीं, सॉलिड कलर में डार्क कलर शो कर देगा। क्राइन कलर में लेनी है, मार्कर कलर में लेनी है, ऑयल में लेनी है, नेचुरल पेंसिल के अंदर लेनी है, वाटर कलर के अंदर, आप जिस तरह से चाहो उस कलर में आप यहाँ से आउटलाइन फिल कर सकते हो। उसके बाद होता है शेप के अंदर कलर फिल करना, फिल पे क्लिक करके सॉलिड कलर फिल करना है, क्राइन मार्कर ऑयल नेचुरल पेंसिल वाटर कलर या सॉलिड कलर। वापस कलर टू पे वाइट कलर सेलेक्ट, कलर वन। इसके बाद मान लो कोई भी शेप क्रॉप करनी है, पहले शेप इंसर्ट करेंगे, सिलेक्ट पे क्लिक करके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जितने पोर्शन को क्रॉप करना उसको सिलेक्ट करेंगे, क्रॉप उसको छोटा कर देगा। वापस कंट्रोल जेड, कीबोर्ड से क्रॉप करना है, पहले सिलेक्शन करेंगे, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन सिलेक्ट, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एक्स क्रॉप कर देगा। वापस कंट्रोल जेड, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट पोर्शन पे तो रेक्टेंगल वे में सिलेक्ट करेगा, फ्री फ्रॉम टेढ़ा मेढ़ा सिलेक्ट करेगा, फ्री फ्रॉम मतलब अपनी मर्ज़ी से जितना भी सिलेक्शन लेना वो शो कर देगा। वापस क्लिक करोगे तो रेक्टेंगल वे में शो कर देगा इसको। वापस सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल कंप्लीट पेज सिलेक्ट करेगा, वापस इन्वर्ट अनसिलेक्ट कर देगा जितना पोर्शन सिलेक्ट है। यही सेम कीबोर्ड से करना, कंट्रोल ए सिलेक्ट या सिलेक्ट ऑल क्लिक कर सकते हो, इन्वर्ट अनसिलेक्ट, डिलीट पहले सिलेक्ट करेंगे जितने पोर्शन को डिलीट करना, सिलेक्ट डिलीट डिलीट कर देगा। वापस कंट्रोल जेड, कीबोर्ड से करना है, कंट्रोल ए सिलेक्ट, डिलीट प्रेस करेंगे डिलीट कर देगा। वापस कंट्रोल जेड, उसके बाद होता है यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शंस, पहले सिलेक्ट रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कट, जितने पोर्शन को सिलेक्ट किया उसको कट कर देगा। वापस कंट्रोल जेड, कीबोर्ड से करना है, कंट्रोल ए सिलेक्ट, कंट्रोल एक्स कट, वापस कंट्रोल जेड शो कर देगा। इसमें से कुछ पोर्शन की कॉपी करनी है, पहले सिलेक्ट करेंगे कॉपी, फिर पेस्ट शो कर देगा, पेस्ट जितनी भी कॉपी लेनी है। अब ये जो पेस्ट की हुई कॉपी को हम उठा रहे हैं तो पीछे वाला पोर्शन हाइड हो रहा है, तो इसको शो करवाना है, तो सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंट, अब ये शो नहीं करेगा, पीछे वाले को हाइड नहीं करेगा, छिपाएगा नहीं। उसके बाद कीबोर्ड से करना यही सेम, कंट्रोल ए सिलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, अब इसको ड्रैग करेंगे नीचे कॉपी शो कर देगा, ऊपर अपना वर्क शो कर देगा। यहाँ से न्यू पेज लेंगे, डोंट सेव, उसके बाद हो गए ऑप्शंस ये ऑफिस बटन के, न्यू से न्यू पेज लेना या न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है, ओपन कोई भी फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ शॉर्टकट की है, कीबोर्ड से कंट्रोल एस कोई भी फाइल सेव करना, सपोज मान लो कोई भी शेप इंसर्ट कर रखी है, यहाँ पे बकेट से कलर फिल कर दिया, अब ये फाइल सेव करनी है, ऑफिस बटन सेव, एक मिनट गलत हो गया।
सेव पे क्लिक करेंगे सेव कर देगा। जिस नाम से सेव करनी है यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, सेव कर देगा या सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रिंट से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, अगर प्रिंटर अटैच होगा तो शो कर देगा। अब हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। ऑफिस बटन पे क्लिक करके उसके बाद होता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। मान लो कोई भी फाइल डेस्कटॉप पे लगानी है, जो भी फाइल ओपन करेंगे सेलेक्ट, ओपन हो गई ऑफिस बटन, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, मिनिमाइज, डेस्कटॉप पे शो कर देगा। वापस स्टार्ट मेन्यू, पेंट, ऑफिस बटन, प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास ये कलर बॉक्स है इसको चेंज करना है। मान लो ब्लैक एंड वाइट के अंदर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, ब्लैक एंड वाइट, ओके क्लिक करेंगे, शो कर देगा। अब मान लो कोई भी शेप इंसर्ट कर रखी है उसके अंदर कलर फिल करेंगे, बकेट पे क्लिक करके जो भी पैटर्न सिलेक्ट करेंगे वो शो कर देगा, इसके अंदर फिल कर देगा। उसके बाद वापस ऑफिस बटन, प्रॉपर्टीज कीबोर्ड से करना है, कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल एन न्यू पेज, कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल एस सेव, सेव एज F12, प्रिंट कंट्रोल पी, प्रॉपर्टीज कंट्रोल ई। अबाउट पेंट कौन सी विंडो सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के अंदर ये शो कर देगा, 7। एग्जिट 12 आना, क्लोज कर देगा। दूसरा व्यू, जूम इन पेज का साइज ज़्यादा करने के लिए, जूम आउट ऑफ पेज छोटा करने के लिए। मान लो कोई भी शेप इंसर्ट करके अब साथ से होगा, जूम इन ज़्यादा, पेज का साइज ज़्यादा होगा तो शेप का साइज भी साथ में बढ़ जाएगा। जूम आउट वापस छोटा करना, कीबोर्ड से करना यही पेज पहले बता चुकी हूँ। कंट्रोल पेज डाउन जूम आउट करना, कंट्रोल पेज अप जूम इन करना। उसके बाद यहाँ पे 100% नॉर्मल पेज का साइज नॉर्मल शो कर देगा। रूलर इंसर्ट करनी है या हाइड करनी है, ग्रिड लाइन ग्राफिक पेज लेना है या ब्लैंक। उसके बाद नीचे स्टेटस बार शो हाइड, शो करना या हाइड करना जो पेज का साइज शो करेगी। रूलर कंट्रोल आर से भी इंसर्ट करते कर सकते हो कीबोर्ड से, ग्रिड लाइन कंट्रोल जी, कंट्रोल आर रूलर इंसर्ट करना, कंट्रोल आर वापस हाइड करना, कंट्रोल जी ग्राफिक पेज इंसर्ट करना, वापस कंट्रोल जी ब्लैंक। उसके बाद होता है फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन पे क्लिक करके शो कर देगा, वापस क्लिक करेंगे नॉर्मल, कीबोर्ड से करना फुल स्क्रीन, F11 फुल स्क्रीन, वापस F11 प्रेस करेंगे नॉर्मल। थंबनेल है, अब तो लॉक है, ये वर्क कब वर्क करेगा, जूम इन के साथ, जूम इन पे क्लिक करेंगे थंबनेल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई भी वर्क करेंगे, शेप मान लो इंसर्ट कर दी, बाहर उसका साइज इंक्रीज होगा, अंदर उसका साइज नॉर्मल शो करेगा, डबल वर्क शो कर देगा मिरर की तरह। वापस लॉक करना, जूम आउट पे क्लिक करेंगे थंबनेल लॉक हो जाएगा, जूम इन के साथ वर्क करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।